नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे नीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो बेबी पार्ट स्वेटर के सेकंड पार्ट को लेके मैं हाजिर हूँ। तो हमने कंधे के फंदे घटा लिए हैं, तो अब क्या करेंगे कि तो अब हम ये फ्रंट पार्ट का ये लास्ट फंदा है और डिवाइडर का फर्स्ट फंदा, दोनों को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। यहाँ पे हमने दो काय किया, अब दूसरा फंदा हम सीधा बना लेंगे। अब इसी तरह ये डिवाइडर का ये तीसरा फंदा और ये हमारा दूसरे डिवाइडर का पहला फंदा, इन दोनों को एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए दो का एक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये जॉइंट हो गया। अब शेष फंदे हम सीधा बुनते हुए दूसरी तरफ आएंगे। अब ये हमारा डिवाइडर का लास्ट फंदा है, ये आप आस्तीन घटी हुई आस्तीन है और उसके बाद ये डिवाइडर है। तो दोनों डिवाइडर के एक एक फंदों को हम लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए दो का एक कर देंगे। अब शेष फंदे सीधा बुनेंगे। तो सभी फंदे सीधा बुनते हुए हम स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए हैं। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो एक राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और अब ये दूसरा राउंड है। तो इसे बनाने के लिए या तो चार गले वाली चार सिलाई से हम बनाएंगे या फिर सर्कुलर निडल से ये डिज़ाइन बनेगा। तो एक राउंड ये कंप्लीट हो गया है और ये दूसरा राउंड शुरू हो गया है। तो देखिए ये हमारा पीछे चार लाइन, ये ऐसे उल्टे फंदों की चार धारियां आ जाएंगी। तो चार लाइन कंप्लीट करके, यानी ये राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दूसरा राउंड में ये सीधा बुनते हुए पूरा राउंड कंप्लीट कर गया लिया और ये हम स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ गए। तो अब हम अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे। दूसरा कलर अटैच करेंगे और सभी फंदे सीधा बुनते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। तो मैं राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सीधा सीधा बुनते हुए हमने दूसरे कलर से एक राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हमें दूसरे कलर से ही तीन राउंड उल्टा उल्टा, सभी फंदे उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। तो तीन लाइन यानी तीन राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पहला लाइन सीधा और नेक्स्ट तीन लाइन उल्टा, यानी टोटल चार लाइन सेकेंडरी कलर से बुनते हुए, टोटल चार लाइन सेकेंडरी कलर से कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट चार लाइन हम सभी फंदे सीधा बनाते हुए प्राइमरी कलर से सभी फंदे सीधा बनाएंगे। तो नेक्स्ट चार लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इन्हीं आठों लाइनों को दोहराते हुए हम अपनी लंबाई, स्वेटर की लंबाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने लंबाई कंप्लीट कर ली है और अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे, नीचे का बॉर्डर बनाएंगे। जब हम बॉर्डर बनाते हैं, जैसे यहाँ हमने ऊपर शुरू किया था, तो हम दोनों तरफ से या तो सीधा सीधा बुनते हैं या फिर उल्टा उल्टा बुनते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें दूसरी विधि अपनानी पड़ेगी। चूँकि ये स्वेटर चार सिलाई पे बन रहा है, तो हमारे सामने सिर्फ फ्रंट पार्ट ही आ रहा है, बैक पोर्शन हमारे सामने नहीं आएगा। यानी कि हमें बॉर्डर बनाते समय एक लाइन सीधा बुनना होगा और राउंड कंप्लीट करने के बाद अगला लाइन उल्टा बनाना होगा। जैसे कि हमने यहाँ से शुरू किया है, तो मान लीजिए कि ये पहला लाइन है, तो पहले लाइन में सभी फंदे सीधे बना लेंगे। तो सभी फंदे सीधा बनाते हुए हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदे सीधा बुनते हुए हमने लाइन कंप्लीट कर लिया है और अब हम सभी फंदे उल्टा बुनेंगे। तो ये हमारा उल्टे का देखिए छठा लाइन है। सभी फंदे हम उल्टा बुन लेंगे और उल्टा बुन कर हम राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए ये हमारा छठा लाइन है, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 12वां लाइन बॉर्डर का। ये 12वां लाइन हमने सीधा बुनते हुए बॉर्डर शुरुआत किया था, पहले राउंड में सभी फंदे सीधा बुना था और दूसरे राउंड में सभी फंदे उल्टा। अगर हम सिर्फ सीधा सीधा बुनेंगे तो हमारा बुनाई ऐसे आएगा और यदि हम सिर्फ उल्टा उल्टा बुनेंगे तो हमारा बुनाई ऐसे आएगा, हम उल्टे फंदे आएंगे। और एक लाइन सीधा हम बुनेंगे और राउंड कंप्लीट करने के बाद अगला राउंड उल्टा बुनेंगे तो हमारा ऐसे बॉर्डर की तरह बुनाई आएगी। तो ये हम 12वां लाइन बुन रहे हैं। 12वां लाइन बुनने से ये छठा लाइन उल्टे फंदों का ये छठा धारी बन रहा है। तो पूरी लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, उल्टा उल्टा बुनते हुए ये 12वां लाइन कंप्लीट हो गया है, हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए हैं। तो अब ये 13वां लाइन है और फाइनल राउंड। तो अब हम सारे फंदे सीधा बुनेंगे, उल्टा बुनने के बाद अब सीधे की बारी। तो सारे फंदे हम सीधा बुनेंगे, पीछे वाला फंदा उठाएंगे, आगे वाले फंदे पे चढ़ा देंगे। अगला फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाला फंदा उठाएंगे, आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। यानी कि अब हम स्वेटर को क्लोज कर रहे हैं, एक एक फंदा बुनते जाएंगे, पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ाते जाएंगे। देखिए हमारा स्वेटर क्लोज होना शुरू हो गया है। तो सारे फंदे क्लोज करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे क्लोज हो गए हैं। अब हम इस फंदे में से धागे को निकालेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, ऐसे कसेंगे और इसको क्रोशिए से अंदर की तरफ कर देंगे। हमारा बेबी स्वेटर तैयार हो गया है। ये फ्रंट से है और ये बैक साइड से है। तो पूरा स्वेटर 9 नंबर की सिलाई से बना है और बॉर्डर 10 नंबर की सिलाई से। तो फ्रेंड्स, स्वेटर आपके सामने है। यहाँ से और नीचे तक की लंबाई 11 इंच है और इसमें कहीं भी सिलाई नहीं किया गया है। तो ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट। तो फ्रेंड्स, स्वेटर आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप भी अपने बेबी के लिए इसे बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।